Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. Welcome you all. आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एंड दैट इज बेसिकली डैंड्रफ पर. डैंड्रफ को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सेबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं. वेरी यूजुअल, वेरी कॉमन प्रॉब्लम. मैनी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट. और होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है. यू गेट लॉट ऑफ इफेक्टिव रिजल्ट्स इफ़ यू कॉन्टिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर अ बिट लॉन्गर. आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं केसेस ऑफ डैंड्रफ. तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि डैंड्रफ बेसिकली क्या क्या रीजन्स की वजह से होता है, जो सर्टनली थोड़े बहुत कॉजेज हैं वो, और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं, विच आई मोस्टली प्रिस्क्राइब, एंड फ्यू ऑफ द लिटिल बिट चिट चैट इन बिटवीन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेबोरिक डर्माटाइटिस के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो दिस इज वन अ कॉमन कंप्लेंट जिससे कि मेन हो, विमेन हो, मिडिल एजड ग्रुप हो, यंगस्टर्स हो या ओल्ड एजड हो, किसी को भी ये हो सकता है. सर्टनली इसका कोई जो कॉज है वो नहीं है दैट वी कैन पिन पॉइंट अ पर्टिकुलर कॉज की इस वजह से डैंड्रफ होता है. सर्टनली इसके जो कॉजेज हैं वो अननोन है, बट देर आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स बिहाइंड दैट जो कि हो सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट क्लीनिंग योर स्कैल्प प्रॉपरली, अगर आप अपने स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं और आप शैम्पू नहीं कर रहे हैं, आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन नहीं है, अगर आपकी स्किन जो है स्कैल्प की या फिर आपका नॉर्मल स्किन, बिकॉज जो हमारा नॉर्मल स्किन होता है वही हमारा स्कैल्प का स्किन भी होता है, मोस्टली थोड़ा बहुत डिफर करता है, अदरवाइज इट्स मोर और लेस द सेम. सेंसिटिव है अगर आपकी स्कैल्प की स्किन, अगर आपकी स्किन जो है स्कैल्प जो है आपकी ड्राई है, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली भी है और इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो भी आपको डैंड्रफ होता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज कि अगर आपकी स्किन स्कैल्प की डैंड्रफ हो रहा है तो आपकी स्किन ड्राई है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. देन देर आर सर्टन स्किन इन्फेक्शंस, देर आर सर्टन स्किन डिजीजेज जो आपके स्कैल्प को अफेक्ट करते हैं, जिसमें कि एक्जिमा आता है, एक्जिमा ऑफ हेड, जिसमें कि सोरियासिस आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह के कुछ स्किन डिजीजेज हैं जो आपके स्कैल्प को अफेक्ट करते हैं एंड यू आफ्टर दैट यू सफर फ्रॉम सेबोरिक डर्माटाइटिस. बिकॉज एज यू नो एक्जिमा के जो पैचेस होते हैं, एक्जिमा के पैचेस, आई प्लेस अ पिक्चर ओवर यू, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो एक्जिमा के पैचेस होते हैं अगेन दे आर वेरी ड्राई एंड ऊपर से अगर थोड़ा सा भी आपने उसमें इचिंग किया तो बहुत पाउडर जैसा सब्सटेंस गिरता है, विच इज़ बेसिकली डैंड्रफ. नाउ मेनी ऑफ द शैम्पू इन द मार्केट दे अश्योर यू कि आप उसको वन और टू टाइम्स यूज़ करेंगे या फिर आप थोड़ा यूज़ करेंगे उसको आपका डैंड्रफ चला जाएगा, विच आई हैव ऑल्सो पर्सनली सीन कि होता है. बट कहीं ना कहीं आप उस शैम्पू को यूज़ करना बंद कर देते हैं या फिर जब भी आपका प्रोन सीजन है, जैसे कि अगर विंटर्स है या फिर समर है, जब आपको ज़्यादा होती है डैंड्रफ की प्रॉब्लम, तो उसमें वो वापस आने लगता है. और जब तक आप उस शैम्पू को यूज़ करें यू विल बी फाइन. नाउ इफ़ यू वांट अ परमानेंट रिलीफ फॉर दैट, यू मस्ट गो फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. इट इज़ साइड इफेक्ट फ्री, इट इज़ वेरी सेफ. व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू मी फॉर सेबोरिक डर्माटाइटिस, इस प्रॉब्लम के लिए जब भी आता है, अगेन हमारा जो एक परफॉर्मा है केस टेकिंग का, एनालिसिस का, वो पूरा किया जाता है और उसके बाद जो सिलेक्ट करती हूँ मैं मेडिसिन वो उसे प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट को. बट मेनी अ टाइम्स पेशेंट के सिर्फ डैंड्रफ के अलावा और कोई भी फिजिकल जनरल या कोई मेंटल जनरल नहीं मिलता है जिसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब किया जा सके. तो थेरेप्यूटिकली प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेडिसिन एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जो मैं बेसिकली डैंड्रफ एंड स्कैल्प का टेक्सचर देखने के बाद मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ. सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज थूजा. नाउ थूजा इज द मोस्ट पॉपुलर होम्योपैथिक ड्रग जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए दिए जाते हैं. साइकोटिक जो है इसका मायसम है साइकोसिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हाइपरट्रोफी. इसीलिए थूजा बहुत अच्छा मायसमेटिकली काम करती है क्योंकि स्किन में बेसिकली क्या हो रहा है, स्किन के जो लेयर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, राइट? और आप जब उसको स्क्रैच कर रहे हैं तो वो सारा डस्ट की तरह गिर रहा है, स्किन पे स्किन जो न्यू आ रही है उसकी परत जमती जा रही है स्कैल्प पे, और दिस इज बेसिकली हाइपरट्रोफी ऑफ द स्किन सेल्स. तो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने की वजह से ये साइकोसिस मायसम है. तो थूजा इसके लिए बहुत वंडरफुल मेडिसिन है. व्हेन आई रियली
ही डोंट गेट एनी ऑफ द इंडिकेशन या मैं बहुत श्योर नहीं होती किसी प्रेस्क्रिप्शन के लिए, तो मैं हमेशा थूजा से केस को स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आई नो दैट थूजा विल गिव यू रिजल्ट्स. वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर देगी. और थूजा मैं देती हूँ पोटेंसी कौन सी, थूजा CM पोटेंसी में. आई गिव ओनली वन डोज टू द पेशेंट. थूजा CM की सिंगल डोज खाली पेट देने के बाद आई वेट फॉर सम टाइम कि थूजा अपना काम जो है, बिकॉज CM पोटेंसी इज हाईली डायनामाइज, तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी टू अ डीपर लेवल. तो आई वेट एंड वॉच कि कैसे वो उस तरह से काम कर रही है. थूजा के बाद जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मेडिसिन या फिर समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, मैं जो एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन साथ में चलाती हूँ, विच इज़ बेसिकली SBL का स्कैल्पटोन. आई डू हैव इट हेयर, बट वो काफ़ी बड़ी बॉटल है. आप जो है 25 ग्राम्स की होम्योपैथिक स्टोर पे मिलती है. आपको सिर्फ SBL का स्कैल्पटोन टैबलेट बोलना है. 25 ग्राम्स का वो ऐसे पैकेट आएगा, उसमें टैबलेट्स होती हैं. बेसिकली उन टैबलेट्स को आपको 4-4 टैबलेट्स 3 टाइम्स लेने हैं. क्वाइट बिग इन साइज. यू कैन ऑल्सो टेक 3 टैबलेट्स 4 टाइम या 4 टैबलेट्स 3 टाइम लेंगे तो थूजा CM अपना काम कर रही होगी. और उसके साथ साथ स्कैल्पटोन टैबलेट बहुत ही अच्छी है. स्कैल्पटोन टैबलेट जो है, इट इज़ नॉट ओनली कि आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है या फिर आपके जो बाल हैं हेयर फॉल हो रहा है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं दी जाती. आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपकी प्रीमेच्योर बाल सफ़ेद हो रहे हैं. हेयर फॉल पर भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा. हेयर फॉल हो रहा है या फिर अगर आपको स्किन रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, स्कैल्प की स्किन रिलेटेड, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोरियासिस हो स्कैल्प का, उन सभी में ये बहुत अच्छा काम करती है. नाम ही इसका स्कैल्प टोन है, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है. थर्ड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो भी उसके साथ स्कैल्पटोन लेना नेसेसरी है, वो आप लीजिए ज़रूर, उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं. थर्ड मेडिसिन है नैट्रम्यूर. नाउ नैट्रम्यूर इज़ मोर लाइक जहाँ स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, आपकी स्किन जो है ग्रीसी है, छोटे छोटे स्पेशली हेयर लाइन, दिस इज बेसिकली दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेयर लाइन. ये पूरे हेयर लाइन पर आपको छोटे छोटे दाने हो रहे हैं जो ड्राई हैं, जिनमें काफ़ी खुजली होती है. आपके हेयर लाइन पर पर्टिकुलरली ज़्यादा हो रहे हैं. आपकी स्किन जो है स्कैल्प की वो ग्रीसी है, ऑयली है, सेंसिटिव है. तो आपको क्या करना है, नैट्रम्यूर लेनी है सिर्फ 200 सी वन डोज आप बनवाइएगा होम्योपैथिक स्टोर से. एंड यू हैव टू टेक इट इन द मॉर्निंग. एम्प्टी स्टमक आप एक दिन खा लीजिए, उसके बाद आपको फिर 15 दिन नैट्रम्यूर 200 सी वापस रिपीट करनी है. नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो है उसका नाम है सल्फर. अगेन अ मोस्ट लाइक वंडरफुल पॉलीक्रेस्ट होम्योपैथिक ड्रग. हमें हमेशा से पता है कि स्किन के लिए सल्फर कितनी बेनिफिशियल है. बहुत सारे स्किन डिजीज हम उसे देते हैं, तो स्कैल्प इज़ ऑल्सो आर स्किन. इसमें जो है पेशेंट अगर हॉट पेशेंट है, टेम्परामेंट थोड़ा फास्ट और भागने दौड़ने वाला है, टेम्परामेंट थोड़ा सा टूवर्ड्स द हॉट रहता है, मतलब कि शॉर्ट टेम्पर्ड है पेशेंट, फास्ट मोशन रहता है, और उसको जो है स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत रिपीटेडली होती है ना, उनकी स्कैल्प भी अफेक्ट हो रही है. स्किन कैसी होगी, ड्राई स्कैल्प होगी, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट्स में सल्फर बहुत अच्छा काम करते हैं. देन अगेन इचिंग, अगर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सल्फर पेशेंट में, डैंड्रफ में बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, सल्फर बहुत अच्छा काम करती है. जब वो बालों को धोते हैं ठंडे पानी से धोने के बाद, शावर के बाद, उनको काफ़ी अच्छा लगता है. वो जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी इचिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है. सल्फर 200 सी वन डोज, आपको उसको फिर से रिपीट करना है 15 डेज बाद. इधर यू टेक 2 ड्रॉप्स ऑन टंग डायरेक्टली, या फिर आप उसको पिल्स में बनवाइए और एक सिंगल डोज आप 15 दिन बाद फिर से रिपीट कीजिएगा. एंड दिस वे यू विल बी लाइक फ्री फ्रॉम सेबोरिक डर्माटाइटिस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं. येस, मैं लेटर स्टेजेस जहाँ होते हैं जनरली उनके लिए केस टेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर, बट जहाँ लेटर स्टेजेस हो गए हैं डैंड्रफ के, बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया, पेशेंट ने ठीक नहीं हुए, नाउ इट्स लाइक बहुत ज़्यादा स्कैल्प में डैंड्रफ है, इस तरह के केसेस में केली सेल्फ बहुत अच्छा काम करते हैं. लेटर स्टेजेस ऑफ डैंड्रफ में जहाँ येलोइश कलर के परत जमने लगते हैं, येलोइश कलर का डैंड्रफ गिरने लगता है, केली सेल्फ इज़ वंडरफुल फॉर दैट. एंड केली सेल्फ जो है आपको 6X पोटेंसी में लेनी है.
4-4 टैबलेट्स 3 times डेली, और आप उसको कुछ समय तक खाइए। वो जो लेटर स्टेजेस वाला डैंड्रफ जो है वो भी आपको कम लगने लगेगा। डेफिनेटली आपको अपने स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शैम्पू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है तो आप शैम्पू नहीं करें डर के मारे कि ज़्यादा हेयर फॉल होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छे शैम्पू यूज़ कीजिए। शैम्पू के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आर्निका का शैम्पू आता है विच इज़ वंडरफुल, बट समहाउ मैंने बहुत बार देखा है व्हेन आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, अगर आपने ऑयलिंग डाउ तो उससे ऑयल बहुत अच्छे से नहीं निकलता है उस शैम्पू से। तो आप बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने के बाद उस शैम्पू को यूज़ ना करें, क्योंकि वो ऑयल आपका ऑयल को फ्री नहीं करता, उसमें इतना ज़्यादा लैथर इतना ज़्यादा फोम नहीं बनता। इसलिए आर्निका का शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल है। एंड फॉर ऑयल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड पेशेंट को, मैं हमेशा ही नहीं कि ऑयल पूछ रहे तो मैं होम्योपैथिक ऑयल सजेस्ट कर दूँ। आई ऑलवेज सी कि जो अगर आपने हमेशा से सरसों का तेल लगाया है बालों में और आपने अब जाकर चेंज कर दिया उसे, या आप कुछ नया नया आ रहा है मार्केट में तो उसमें आपने आके चेंज कर दिया, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको सरसों का तेल आपने हमेशा से लगाया तो आप वो लगाएं। अगर आपने नारियल का तेल हमेशा से लगाया है, नाउ यू हैव चेंज्ड इट टू सम ब्रांड एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ नारियल का तेल स्कैल्प में लगाया जाता है, आप नारियल का तेल लगाएं। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि होम्योपैथिक ऑयल लगाना आप शुरू कर दें विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। इफ़ यू आर टेकिंग द मेडिसिन इंटरनली दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। और आप जो है वही ऑयल यूज़ करें जो आपने हमेशा से अपने स्कैल्प पे लगाया है, बिकॉज जो सरसों का तेल है या जो नारियल का तेल है दे आर वेरी वेरी गुड, उनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दे आर वेरी प्योर, वो आपके स्कैल्प को बहुत नरिशमेंट भी देते हैं। तो आई मस्ट से कि येस ऑयलिंग करना ज़रूरी है, बट उसको ऑयल को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अ प्रॉपर हाइजीन प्रॉपर शैम्पू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। फिनिश माय वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी छोटी टिप्स भी बहुत अच्छी लगी होंगी। पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। एंड जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और कनेक्टेड रहिए होम्योपैथी से। थैंक यू सो मच।